नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजाना खाना में। आज मैं आपको गोभी कोरमा होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल कैसे बनाते हैं ढाबे वाले, वो मैं बताने वाली हूँ। तो बहुत से दोस्तों का हमारा रिक्वेस्ट था कि अनीता जी कोरमा बनाइए गोभी का, तो लीजिए दोस्तों मैं लेके आ गई हूँ। तो देखिए गोभी इस टाइम जो आ रही है सर्दियों के दिन में बहुत ही अच्छी गोभी आ रही है। तो इस तरीके से आप बड़ा बड़ा पीस ही टुकड़ा में काट लें, आलुओं को छील लें। तो गोभी और आलू दोनों मिला के इसका क्वांटिटी है 5 केजी। तो आप अपने घर पे कम भी बना सकते हैं, ये ढाबा पे बन रहा है तो 5 केजी का बन रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मोटा मोटा टुकड़ा गोभियों का काट लिए हैं लाला जी। ये लाला जी का ढाबा पे बना रही हूँ मैं आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो, और ये दोस्तों 1 साल पुराना वीडियो है। ये बना के मैं भूल गई थी और आज मिला है हमें, तो हम इसका वॉइस क्लियर कर रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत पहले का वीडियो बना चुकी थी मैं, लाला जी का ढाबा अभी बंद है। तो देखिए प्याज हो गया कोरमे में डालने के लिए, मसाले में चाहिए हमें 2 चम्मच लाल मिर्चा, 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला और आधा चम्मच देगी मिर्च और आधा चम्मच जीरा पाउडर। तड़का में जाएगा तेज पत्ता, लाल मिर्च और दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च और जावित्री का फूल और थोड़ा सा जायफल हम डालेंगे कद्दूकस करके, और यहीं पे हम 1 चम्मच जीरा लिए हैं तड़के में। ये हमारा जीरा का सामग्री है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच लेंगे, दही लेंगे हम 1 कटोरी और दूध 250 ग्राम और टमाटर प्यूरी हमें 500 ग्राम लेना है। तो देखिए लाला जी के ढाबे पे ये वीडियो मैं शूट की थी आप लोगों के लिए, बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट था तो ये वीडियो खो गया था दोस्तों, तो आज मिला है। तो देख सकते हैं तेल बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म है और उसी में डाल के फ्राई कर रहे हैं आलू और गोभी को। आलू और गोभी को हमें दोस्तों बढ़िया से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, तो हाई फ्लेम रहेगा यहाँ पे। और देखिए हमारा गोभी और आलू कितना अच्छा गोल्डन हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे तेल से बाहर। और इसी तरीके से हम सारा गोभियों को फ्राई करेंगे। तो दोस्तों ढाबा तो अभी चल नहीं रहा है, ये पहले का शूट था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग ढाबा पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ बन रही है, काम चल रहा है, तो ढाबा बंद है हमारा। यहाँ पे हम सरसों का तेल में बना रहे हैं कोरमा, आप घी में भी बना सकते हैं। तड़का डालने के बाद थोड़ा सा हम जायफल कूट के डाल दिए हैं। तड़का जैसे ही हमारा चटक गया है प्याज डाल दिए हैं हम। तो इस तरीके से हमें प्याज को बिल्कुल भून लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं अपने ढाबा पे ही दोस्तों ढाबा स्टाइल वीडियो शूट किया करती थी, अब हमारा ढाबा भी बंद हो गया है, तो मैं आपको अपने घर का ही रेसिपी दिखा पाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग ढाबा पे अभी ना आए। तो देखिए यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और भून लिए थे, और 500 ग्राम अंदाजे से ही टमाटर हम इसमें पीस के डाले हैं। और यहीं पे 100 ग्राम के करीब दही डाल दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लेम है मीडियम था, हाई फ्लेम पे दही को ना डालें नहीं तो दही फट जाता है। और सारा का सारा मसाला हम यहीं पे डाल देंगे, जितना भी हम मसाला लिए थे ना पाउडर मसाला, यहीं पे मिला देंगे और अच्छा से भूनेंगे। तो भूनने के लिए हम ढक्कन से ढक के और इसे भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों इसे लो फ्लेम पे भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गया है। मसाले लो फ्लेम पे भूनने से बहुत ही अच्छा कोरमा में फ्लेवर आता है। तो यहीं पे हम 250 ग्राम के करीब फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ। आप मलाई भी डाल सकते हैं थोड़ा, लेकिन हमारे पास मलाई नहीं था। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से दूध डाल के हम मिक्स कर दिए हैं, और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ग्रेवी में। और जो हम गोभी आलू को फ्राई करके रखे हैं ये भी ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे हम अच्छा से इसे मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। आलू और गोभी को इस तरीके से अगर आप कोरमा बनाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही मजा आएगा आपको। घर पे पूरी पराठा या नान के साथ भी आप खा सकते हैं इस गोभी कोरमा को, या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम पानी डाल के इसे ढक्कन से ढक के अब हम फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, हम 200 ग्राम के करीब प्याज को रफली काटे हैं, मोटा मोटा टुकड़ा इस तरीके से, और इसे फ्राई कर ले रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों इस तरीके से अपने ढाबा पे कोरमा बनाते हैं। तो ढाबा तो हम और लाला जी मिल के चलाते थे, और साथ में हमारे काम करने के लिए दो भैया रहते थे। और लेकिन ढाबा बंद है दोस्तों, तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढाबा पे अभी ना आएं। तो देखिए, यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन करके और डाल दे रहे हैं गोभी कोरमा में, और ये गोभी कोरमा अब रेडी होने ही वाला है। देखिए, मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल दे रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गोभी कोरमा तैयार हो गया है। तो इसे हम सर्व कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो लुक है बहुत ही यम्मी है। और आपको कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाला जी के यहाँ चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी बिकता है, तो लाला जी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।